Hey friends, click this subscribe button and press this bell to watch my latest videos daily. Hello friends, welcome to my YouTube channel Baby Health Guide. मैं हूं आपके साथ भव्या। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घर पर ही आप कैसे कर सकते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट। पर इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल बेबी हेल्थ गाइड को अभी सब्सक्राइब करें एंड टैप दैट बेल ताकि आप हमारी लेटेस्ट और न्यू वीडियोस को देख सकें। आजकल बाजार में बहुत सारी प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स उपलब्ध हैं, जो आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। साथ ही ये आपको अस्पताल के चक्कर लगाने से बचाती है। ये प्रेगनेंसी किट हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलती है, लेकिन ध्यान रखें, प्रेगनेंसी स्ट्रिप से किया जाने वाला टेस्ट मात्र प्राथमिक प्रशिक्षण होता है, इसलिए अपनी प्रेगनेंसी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और जरूरी टेस्ट करवाने चाहिए। कैसे करें जांच? प्रेगनेंसी स्ट्रिप से जांच के लिए यूरिन का सैंपल लिया जाता है। इस जांच से यूरिन में मौजूद हार्मोन कोरियोनाथिक गोनाडोट्रोपिन HCG का पता लगाया जाता है। यदि आपके यूरिन में HCG पाया जाता है तो इसका अर्थ है कि आप गर्भवती हो चुकी है। घर पर किया जाने वाला प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा सुबह उठने के बाद करें, इससे परिणाम के गलत आने की संभावना कम होती है। प्रेगनेंसी टेस्ट से पहले स्ट्रिप के पैक पर दिए गए दिशा निर्देश ठीक तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही टेस्ट करें। यदि मासिक धर्म नहीं हुआ है और उसके बावजूद प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स में नकारात्मक परिणाम आते हैं तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। उसकी सलाह पर प्रयोगशाला में जरूरी टेस्ट कराएं। हो सकता है किसी अन्य समस्या की वजह से आपके पीरियड्स में देरी हो रही हो। टेस्ट नेगेटिव होने पर, अगर घर पर पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर नेगेटिव आए तो 72 घंटे बाद फिर से टेस्ट करें। शरीर में HCG नामक हार्मोन की शुरुआती अवस्था होने की वजह से टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इस अवस्था में HCG की पहचान नहीं हो पाती है। इसके अलावा आपकी जांच में किसी गलती के कारण भी गलत परिणाम आ सकते हैं। टेस्ट के फायदे, घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेने से आपको अपने गर्भवती होने का पता चल जाता है। इसके बाद तुरंत डॉक्टर से मिलकर जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भ अवस्था के पहले 3 महीने काफी संवेदनशील होते हैं। शुरुआती 1 महीने में गर्भपात की संभावना अधिक रहती है, लिहाजा प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। टेस्ट के परिणाम पॉजिटिव आने पर आप उसी क्षण से सावधान हो सकती है। कई बार गर्भावस्था के बारे में पता नहीं होने पर महिलाएं आम दिनों जैसा ही खान पान और काम करती है, जिसकी वजह से गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में हमने जाना कि हम घर पर ही कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। टिल देन टेक केयर ऑफ योर न्यू बॉर्न बेबी। थैंक यू।